हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पनीर से बनने वाले एक बहुत ही फेमस डिश, जो है पनीर टिक्का। इसे हम तवे पर बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैरिनेशन तैयार करना होगा, तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा बोल ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गाढ़ा दही, 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना का पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो बेसन को आप भूनकर भी ले सकते हैं, चाट मसाला 1 टीस्पून, 2 पिंच के करीब काला नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लेमन जूस, और मस्टर्ड ऑयल मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये कच्चा ही डालना है, इसे गरम करके नहीं डालना है। 1 टीस्पून नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारा वेजिटेबल डालेंगे। मैंने 1 लिया है हरा शिमला मिर्च, 1 पीला शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 टमाटर। टमाटर के अंदर से बीज हटाकर ही हमें लेना है। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं पनीर ले रही हूँ 400 ग्राम। इसे मैंने मोटा मोटा और बड़ा बड़ा पीस में कट किया है। अब हम सारे मसाले, पनीर और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों से हम मसाला लेकर पनीर में अच्छे से कोटिंग करेंगे। अब सारे वेजिटेबल को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उस पर मसाला लगाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून तीखा लाल मिर्च। पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला था, अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप टोमेटो रेड फूड कलर डाल रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसे ढक करके आधा घंटा लगभग रखना है। अब 30 मिनट हो चुका है, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ले रही हूँ इस तरह से स्क्यूअर। इसमें हम सबसे पहले कोई भी वेजिटेबल डालेंगे, तो मैं डाल रही हूँ टमाटर, फिर पनीर, फिर प्याज, फिर पनीर, फिर कोई भी कैप्सिकम। इस तरह से आप बीच में पनीर रखें और साइड में आप कोई भी वेजिटेबल रखें। हमें इसमें थोड़ा गैप रखना है, जिससे कि हम इसे सेकेंगे जब तो इसके अंदर तक अच्छे से हीट जाए और ये अच्छे से पक सके। तो सारे को इस तरह से हम रेडी करेंगे। पहले इसके बाद हम तवा को गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके ऊपर हमारा सारा रेडी किया हुआ पनीर टिक्का को रखेंगे। और हल्का हल्का हम इसे पलटते जाएंगे बीच बीच में। देखिए बहुत ही अच्छा सा इस पे कलर आ गया है। तो सारे को हम इस तरह से घुमा घुमा कर पलट लेंगे। अब लास्ट में इसके ऊपर बटर डालेंगे और कुछ देर के लिए थोड़ा और सेक लेंगे। देखिए ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो मैंने इस तरह से बनाया है पनीर टिक्का। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो।
मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मैं आपके लिए लाती रहूंगी इसी तरह नई नई रेसिपी।